कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिलने लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत रखिए, क्योंकि मगरिब का वक्त भी होने जा रहा है। हम आपसे आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा चारों विधायक को उन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है। तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है, इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार। सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे। बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर दो अनुमंडल की जरूरत थी? क्या एक अनुमंडल खुला? दसवीं जमात के इम्तिहान चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है। और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल को जाता है तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तर अली मान को बुलाया और बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी तुमने जो चार गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया वो हजम कर गए तुम उनको? क्या किया तुमने उन चारों का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग? आज अख्तर अली मान से कह रहे अरे हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले, हम कभी समझौता नहीं किए ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। दो दो मर्तबा नीतीश कुमार को तुमने मुख्यमंत्री बनाया और दो दो मर्तबा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और बीजेपी को सत्ता दी, मगर बताओ इनके जबानें बंद हैं? जबानें बंद हैं, कुछ नहीं कहते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का वो जो दावा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने के लिए, सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, बिहार के गरीब और मुजलिमों के ताकतवर आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए, वतन अजीज के गरीब और मजलूम अकलियतों की एक आवाज को बिहार से पार्लियामेंट तक भिजाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अब की बार मजलिस को वोट दीजिए। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो बीजेपी को इख्तदार देना चाहते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा तक भिजाइए।